और बोकारो एसपी प्रियदर्श आलोक ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 60 टन स्टीम कोयला के साथ दो ट्रक को पकड़ा है। ये कोयला रेलवे गुड्स क्षेत्र से ले जाया जा रहा था। इस मामले में 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है उनमें राज लॉजिस्टिक्स के मालिक विवेक सिंह, दोनों ट्रक के मालिक और ड्राइवर के नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि गलत तरीके से कोयले का उठाव कर मंडी में भेजा जा रहा था। वहीं रेलवे गुड्स शेड में हेरा फेरी का बड़ा मामला सामने आया है। कौन सा कोयला? अच्छा, कब लोड किया? सुबह हुआ। कितना कितना लोड किया दोनों गाड़ी? 40 टन का। कहाँ हुआ? काटा पीछे में हुआ। कहाँ ले जाना था इसको? अभी तो कागज नहीं मिला, कहाँ कहेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बोकारो से संवाददाता सुरेंद्र फोन लाइन पर बने हुए। सुरेंद्र, ये एसपी के निर्देश पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और 60 टन स्टीम कोयला के साथ दो ट्रकों को भी पकड़ा गया, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर गुड्स शेड में कोयला लोडिंग और अनलोडिंग होता था, मतलब जो रेक आता था उसी रेक से उतार कर उसमें से पत्थर छांट कर उसी फिर दूसरे रेक में उस कोयले को भेजा जाता था। लेकिन जो मामला सामने आ रहा है, बोकारो एसपी प्रियदर्शी आलोक के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। जो स्टीम कोयला है वहां उससे निकाल कर बाहर मंडियों में बेचने का काम किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए दो ट्रक को पकड़ा है, और जो दो ट्रक पकड़ा है उसके एक ड्राइवर ने साफ तौर से कहा कि ये कोयला हम लोग यहीं से लोड कर ले जा रहे थे, लेकिन यह कोयला कहाँ जाना था हमें इसका कोई पेपर नहीं मिला, जिसको लेकर उन्हें यह भी नहीं पता है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई, हम कह सकते हैं कि प्रियदर्शी आलोक ने आते ही बड़ी कार्रवाई की है, और कोलिया जो कोयला माफिया है उनके खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई है। यह स्टीम कोयला जो है कि बाहर मंडियों में भेजा जाता था, ये ऐसा नहीं हो कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी हो चुका है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है। अब देखना यह होगा कि जिन पर यह केस हुआ है अब उस पर क्या कार्रवाई पुलिस आगे करती है। जी चलिए सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।